देखिए पूरी स्टेट में अभी जो करंट सिनेरियो है इसके चलते हमने सभी लोकेशंस को एनालाइज़ कर लिया है, और जो भी उसमें लोकेशन सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव है वो डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ ने, पुलिस कमिश्नर्स ने उसको ना सिर्फ उसको जांच लिया है बल्कि मौके पे जाके उसका ब्यौरा भी कर लिया है। और उस पर हम कई प्रकार से हम उसको कवर करते हैं। सबसे पहले तो हम उस पर जो बूथ ड्यूटीज़ हैं उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की एडिशनल कंपनीज लगाते हैं, उसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए जाते हैं, और वेबकास्टिंग वगैरह इस तरीके से हम उसको कवर करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव लोकेशंस हैं वो हमारे वॉच में हैं, और उसकी हमने गांव वाइज लिस्ट भी तैयार करवाई है, और उसमें कौन कौन व्यक्ति उसमें गड़बड़ कर सकते हैं उसकी भी लिस्टें तैयार की गई हैं, और वो सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ के पास हैं और उन पर वॉच रखी जा रही है। और हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हरियाणा में सेफ इलेक्शंस हो और पीसफुल इलेक्शन हो, और कोई भी बूथ रिगिंग वगैरह की ऐसी घटना ना हो पाए। देखिए ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सोनीपत, रोहतक, भिवानी और हिसार, इन जगह पे हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस दी हैं क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ ने हमसे डिमांड की थी, और उसके चलते हमने उनको एक्स्ट्रा फोर्सेस उपलब्ध कराई। बिल्कुल बॉर्डर्स को इलेक्शन से पूर्व जो है ना प्रॉपर तरीके से सील कर दिया जाएगा, और उसके लिए क्योंकि हमारे जो आसपास जो बॉर्डर्स लगते हैं उसमें सिर्फ दिल्ली का इलेक्शन उस दिन है, बाकी राज्यों में उस दिन इलेक्शन नहीं है, तो हमने दूसरे राज्यों से भी मदद मांगी है क्योंकि उनकी फोर्स जो है खाली होगी उस दिन, और उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स लगाएं, हमारी तरफ भी फोर्स होगी और बॉर्डर्स को प्रॉपरली सील करें। एक दिन शाम को पहले इलेक्शन से, उस दिन से आप मान के चलिए कि इसको सीलिंग जो हम टाइट करना शुरू कर देंगे। जो जो स्ट्रॉन्ग रूम्स के लिए 3 टीयर सुरक्षा होती है, पहले टीयर में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन जो हमें ऑलरेडी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई है उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद सेकेंड टीयर में हमारी हरियाणा आर्म्ड पुलिस की फोर्सेज होंगी, वो हम इनको उपलब्ध करवा देंगे, और थर्ड टीयर में जो डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है वो होगी। इसके अलावा राउंड द क्लॉक उसकी सीसीटीवी मॉनिटरिंग, और वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी प्रेजेंट रहेंगे, और जो रिटर्निंग अफसर हैं या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर हैं वो भी डेली और डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं वो उनको रोज़ चक्कर मारते रहें। जो हमारे 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हमारे 38 लोकेशंस हैं, फिजिकल लोकेशंस जहाँ पे ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं, और वहाँ पर ये गणना होगी।